गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है मैं आपको 2 या 3 वीडियो जो है अलंकार की दे चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार से क्या तात्पर्य है या अलंकार से आप क्या समझते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो है उसमें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो उसमें जो है मैंने उसकी परिभाषा कि अलंकार का जो है शाब्दिक अर्थ आभूषण अर्थात गहना भी बताया था। जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए भिन्न भिन्न गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार जो है एक कवि या एक लेखक अपने साहित्य की रचना करने के लिए उसको सुंदर बनाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों को जो है प्रयोग में लाते हैं, यानी कि अपनी कविताओं में अपने कहानियों में। तो इस प्रकार तो ये तो बताया था मैंने अलंकार का अर्थ। फिर जो है मैंने उसमें बताया थे कि अलंकार के जो है 2 भेद होते हैं। सबसे पहले बताया था मैंने कि शब्दालंकार, शब्दालंकार फिर क्वेश्चन बनता है हमारा कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, किसी दोहे या पंक्ति में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि अर्थालंकार, अर्थालंकार तो अर्थालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार से क्या तात्पर्य है, अर्थालंकार से आप क्या समझते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो है एक में से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अर्थालंकार जिन दोहे या पंक्तियों में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। तो आज जो है मैं अलंकार की आपको डेजी कराऊंगी। 9th क्लास में जो है अलंकार की डेजी देखेंगे सभी बच्चे। आइए अब अलंकार पर चर्चा करें। अर्थ, अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार, काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धन गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। उद्देश्य 1 अलंकार के भेद, 2 शब्दालंकार अनुप्रयास यमक श्लेष, 3 अर्थालंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण, 4 अतिरिक्त अध्ययन के लिए अतिशयोक्ति अन्योक्ति, 5 अलंकारों में अंतर यमक और श्लेष में अंतर उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर। अलंकार के भेद, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है, अतः कई शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होते हैं। इसके विपरीत जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है है। अतः इन
अलंकार है। एक, तब तो भय का समय शिला सा जम जाएगा। दो, शून्य सा दुष्ट और अथा, इन दोनों उदाहरणों में शिला सा तथा शून्य सा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि उनके स्थान पर क्रमशः चट्टान तथा सागर शब्द रख दिए जाए तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दालंकार अनुप्रयास, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रयास अलंकार होता है। उदाहरण तया, एक, तरण तंद्रा का समान तरवर बहु छाए, तर की आवृत्ति। दो, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चर और ल की आवृत्ति, लाभ है कि व्यंजनों की आवृत्ति में भी कोई नियम नहीं सके, या तो वे शब्द के आलम में आवृत्ति करें या मध्य में या अंत में। कुछ अंत उदाहरण देखिए, एक, कल कानन कुंडल मोर पका उर्फ बनमान विराजित है। दो, कंकन कीनकिनी रूप पर धुनि सुनी। तीन, नव पर चंचम चपला चमकी। चार, विमल भवन में वीणाली। पांच, मुदित महीपति मंदिर आए। छह, वर्षक बारिश बूंद। सात, नाम शकल सुख साफ तुम्हारे। शब्दालंकार यमा, वह शब्द पुनी पुनी परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण तया, एक, काली घटा का भ्रमण घटा। यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों के जमने के लिए तथा दूसरी बार कम हुआ के लिए, अतः यहाँ यमक अलंकार है। दो, तरह तरह के शौकुनी मादक का अधिकार, बा खाए बोराए जल या पाए बोराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। तीन, माला फेरा जुड़ गया, गया न मन का खेल, कर का मन का डाल के मन का खेल। यहाँ खेल तथा मन का शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग दृष्टि है। मन का बराबर माला का दाना, मन का बराबर हृदय का, भेद बराबर चक्कर अथवा घुमा। चार, तोमर बालों उर्वशी सुन जाने के सुजान, तुम मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। उर्वशी अर्थात हृदय में बसी, उर्वशी एक अक्षरा। शब्दालंकार श्लेष, श्लेष का अर्थ है चिपकना, अतः जहाँ एक शब्द के एक से अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण दया, एक, जो रही गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़ी अंधेरो होए। यहाँ बारे के दो अर्थ हैं, जलाने पर तथा बचपन में। बड़े के दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। कुछ अन्य उदाहरण, एक, शुभर को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। शुभरन बराबर अच्छे वर्णकृत अथवा छंद या अक्षर। सुंदर स्त्री सोना। दो, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां फूल का अविकसित रूप, यौवन से पूर्व की अवस्था। अर्थालंकार उपमा, अर्थालंकारों की लंबी सूची में से कुछ प्रमुख अलंकारों का परिचय निम्नलिखित है। एक, उपमा जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समान
जय उपयुक्त उदाहरण में सीता उपमेय है। उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। समान धर्म उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे सुंदर समान धर्म है। वाचक शब्द जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण दया के समान वाचक शब्द है। पूर्ण उपमा जिस उपमा में चारों अंक उपस्थित रहते हैं वहां पूर्ण उपमा होती है। जैसे एक पीपल बाग सरस मन डोला। दो वह दीन शिखाशी शांत भाव की दीन। तीन वह उनके सरल की छोटी दशाशी दीन। चार हरे पद कोमल कमल से। पांच नील कमल से सुंदर नयन। छह मधुर शिला की दृढ़ छाती। युक्त उपमा जिस उपमा अलंकार में चारों अंगों में से कोई एक अंग युक्त हो वहां युक्त उपमा अलंकार होता है। उदाहरण पैरा ये देखिए अर्जुन के शिशु ग्रंथ कैसे धो रहे। समान धर्म लोग मकमल के झुल पड़े हाथी साथ पीला। समान धर्म लोग कमल कोमल कर्म छपे। वाचक शब्द लोग अर्थालंकार रूपक रूपक जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण दया जलता है यह जीवन पतन। यहाँ जीवन उपमेय है और पतन उपमान परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतन उपमान का आरोप कर दिया गया है। एक चरण कमल बंधो हरि राय। दो आय महन बसन महन बसन। तीन मन का थे मन का। चार संसार की समरस्थली में देवता धारण करो संसार समरस्थली। पांच सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नाच रहा मनोमयूर। अर्थालंकार उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मन मान जन जनम जानो मनन आदि। एक उदाहरण देखिए कहती हुई लोग उत्तरा के नेत्र जल से भर आए। हिंद के पवन से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्वपूरक नेत्र उपमेय है तथा हिमकण से पूरक पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानव वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। अन्य उदाहरण एक उस काल मारे क्रोध के तनुकांत में उछका लगा मानो हवा के जोर से छोटा हुआ सागर जगा। दो सुगत ओढ़े की पट श्याम सलोनी गा मन में मन शैल पर आकर पर्वत सभा। तीन चंचमा चंचल नयन बिच घूंघट पट जीन मानो शुभ सरिता विमल जल बिचलत जुग नीन। चार मन पिट भारी अनेक जमन मानवीकरण जहाँ मानवीयता प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहरे तीर बरसाती जयलक्ष्मी की उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है अतः मानवीकरण अलंकार।
भी भर लाए मनमोहक नवल रस गावी दिवसा वशांत का समय नींद में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे मीन काले बड़े बंधन के समय के आए मन वसन है। दो रूपक
जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तीन, उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चार, मानवीकरण, जहाँ मानवीयता प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो बेटा आपने आज देखा डेजी क्लास जो कि 9th क्लास थी, यानी कि 9th क्लास में जो है मैं अलंकार आपको दे रही थी, तो यानी कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें जो है इन्होंने बताया शब्द अलंकार के कितने भेद हैं या अर्थालंकार के कितने भेद हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद बताए गए थे इसमें, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और फिर जो है अर्थालंकार के भेद चार बताए थे इसमें, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और जो है मानकीकरण, यानी कि अन्य रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं अतिशयोक्ति और अनुरक्ति जो है अलंकार भी इनमें शामिल आ जाते हैं। तो उनके जो है इन्होंने इसमें डेजी क्लास में इसकी परिभाषा, उसके भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण दर्शाए गए हैं। तो 9th क्लास में बेटा सभी बच्चों को ध्यान में आ गया होगा कि इसमें जो है कौन कौन से उदाहरण किस किस अलंकार के दर्शाए गए हैं। तो आज के लिए 9th क्लास में डेजी क्लास जो है इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।